हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। साथ ही में ये भी देखेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। ये चीज़ें हम कैंडल वैक्स के थ्रू देखने की, जानने की कोशिश करेंगे। बस गाइस, आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, जो भी यहाँ पर रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड, अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इनकी ज़िंदगी में और इनके मन में क्या चल रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आके एंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए, प्लीज आके एंजल मिशेल, प्लीज आके एंजल कैमियल, प्लीज आके एंजल रेफल, प्लीज आके एंजल कैपियल, प्लीज आके एंजल मिट्रन, प्लीज आके एंजल एरियल, प्लीज आके एंजल यूरियल, मुझे गाइड कीजिए, बताइए इस पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। इनकी लाइफ में चल रहा है बेहद ज़्यादा कंपैरिजन, चाहे फिर इस पर्सन का कंपेयर कोई और कर रहा हो या ये खुद से अपना कंपेयर किसी और से कर रहे हो। काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को ना इन्फ्लुएंस करा जा रहा है, कोई बात इस पर्सन से बहुत ज़बरदस्ती प्रेशर डालकर जैसे मनवाई जा रही हो, ये चीज़ें चल रही हैं, जिसके लिए ये कहीं ना कहीं अपना फोकस चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं या अपना माइंड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पर्सन के ऊपर डेफिनेटली किसी तरह का दबाव, किसी तरह का इन्फ्लुएंस डाला जा रहा है। ये पर्सन इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ना बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, या इन्होंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रिजर्व कर रखा है कि इनके दिल में जो भी चल रहा है ये किसी को बताना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें जितना ये लोगों को बताएंगे उतना ज़्यादा इन्हें इन्फ्लुएंस करा जाएगा, उतना ज़्यादा इनके ऊपर दबाव डाला जाएगा किसी बात को मनवाने के लिए। इस वक्त में आप और ये पर्सन ना कहीं रनर और चेजर वाली एनर्जीज में दिख रहे हैं, एज इन कि पहले भले आप इस पर्सन को का पीछा करते थे, इन्हें स्पाई करते थे, लेकिन अब ये आपको स्पाई करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, एज इन कि आपको चेस ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। रीज़न यहाँ पर ये है कि ये कहीं ना कहीं काफ़ी कलरलेस लाइफ इस वक्त में फेस कर रहे हैं, यानी कि इनकी ज़िंदगी में कोई कलर नहीं है, काफ़ी बेरंग जैसी इनकी ज़िंदगी हो गई है। ये ऐसा फील भी कर रहे हैं और ऐसा चल भी रहा है इनकी लाइफ में। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि शायद इस पर्सन को ना फोर्स करा जा रहा है कि किसी और रिलेशनशिप में ये आए, या जिस रिलेशनशिप में है ये उसी में बंधे रहे, तो काफ़ी फोर्स इस पर्सन के ऊपर डाला जा रहा है डेफिनेटली। बट ये कहीं ना कहीं आपको चेस करते हुए नज़र आ रहे हैं और अब शायद आप इस पर्सन से भाग रहे हो, तो ये चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के ना दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या इनकी ज़िंदगी में बेहद ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, एज इन कि चार पांच लोग मिलकर जैसे आपस में झगड़ रहे हो या बहस इनके ज़िंदगी में चल रही हो किसी चीज़ को लेकर, तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा जैसे इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इनकी लाइफ ना बहुत थमी हुई सी है और कोई मूवमेंट हो नहीं रहा है, और जहाँ इन्हें मूव करा जा रहा है, जहाँ पर इन्हें इनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, वहाँ पर इन्हें जाना नहीं है। तो इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ज़िंदगी या लाइफ बहुत ज़्यादा स्लो है मेरी, या कर दी गई है। इन्हें ना ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इनके दिल ना इनका दिल टूट गया है, या फिर इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिससे इनका दिल टूट रहा है, यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें हैं।
मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन से किसी ने प्रॉमिस करा था जैसे कि ये जो चाहते हैं वो चीज़ें होकर रहेंगी या वो इन्हें दे दी जाएंगी, लेकिन वो नहीं दी जा रही हैं। आप खुद देख सकते हो उनसे वो चीज़ें जैसे छीन ली हो, कोई बात ऐसी हुई है इनके बीच में जो इस पर्सन का दिल तोड़ रही है, जो इन्हें और ज़्यादा परेशान कर रही हैं, इन्हें ऐसा फील करा रही हैं कि इनसे जो वादे करे गए थे, जो प्रॉमिस करे गए थे, वो तोड़े जा रहे हैं। और इसी रीज़न की वजह से ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं और अकेला इन्होंने कर भी लिया है इसी रीज़न की वजह से। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आसपास के लोग जो है ना, कोई मेरी बात समझेगा नहीं, सबने अपनी एक साठगांठ बना रखी है और एक तरह से मेरे चारों तरफ जैसे जाल फैला रखा है। तो ऐसी एनर्जीज भी हैं इनके इनके दिमाग की सोच कह सकते हो, या एक्चुअली में इनकी ज़िंदगी में ऐसा ही चल रहा है कि काफ़ी लोग इन पर प्रेशर डाल रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। अगर आप एक हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं और आपका डाइवोर्स केस चल रहा है, तो इन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि ये आपको डाइवोर्स दे उस तरह से। और अगर आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते थे, तो इन पे प्रेशर डाला जा रहा है कि ये किसी और रिलेशनशिप में आए, किसी और शादी में आए। और अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इसी शादी में बने रहे। ओवरऑल इन्फ्लुएंस और प्रेशर वाली एनर्जीज बेहद ज़्यादा यहाँ पर है। यहाँ पर लेटर पी, पी फॉर पैरट भी दिख रहा है, आपके पर्सन या आपके नाम का अक्षर ये हो सकता है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि कोई इनसे ना ऐसा इसीलिए कर रहा है कि इनसे कोई जेलेसी फील करता है। इनके मन की ये सोच है कि लोग या ये जिनसे इन्होंने वादे करे हैं, वो इनसे किसी बात को लेकर जेलेसी फील करते हैं, इसी वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इनके मन में इस तरह के थॉट्स भी काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। ये ना एक वेटिंग मोड पर रहना चाहते हैं, एज एन कि इन्हें नहीं बढ़ना। जैसे इन पर प्रेशर डाला जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा चाहते हैं कि मैं जहाँ हूँ वहीं पे मैं ठीक हूँ, मुझे ना आगे बढ़ना ना पीछे जाना, मैं वेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये उस एनर्जीज में रहना चाहते हैं, लेकिन कोई इन्हें ऐसा करने नहीं दे रहा। इनसे बोला जा रहा है कि ये मूव करे, ये आगे बढ़े, ये मूव ऑन करे, ये यहीं पर वेट ना करते रहे या ये यहीं पर थमे ना रहे। यहाँ पर लेटर एस वाई भी दिख रहा है, नंबर 5 मई मंथ भी दिख रहा है। किसी बात को लेकर ये पर्सन बेहद ज्यादा नाराज भी है किसी से, जैसे इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये लोग ना सिर्फ अपना सोच रहे हैं, इनका नहीं सोच रहे, इनके दिल की नहीं सोच रहे। तो ये नाराज है, नाराजगी वाली एनर्जीज में है, अपना गुस्सा दिखा रहे हो, या फिर हो सकता है गुस्सा कर भी रहे हो, इसके भी काफी ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। काफी ज्यादा ना सैड एनर्जीज में डेफिनेटली है, जैसे मन ही मन में रो रहे हो कि कोई इन्हें समझना क्यों नहीं चाहता या चाहती, या सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई इन्हें समझ क्यों नहीं रहा। तो ऐसी एनर्जीज, ऐसे थॉट्स भी इनके मन में चल रहे हैं इस वक्त में। काफ़ी ज़्यादा फ्लैशबैक में जाने की कोशिश कर रहे हैं, एज एन पास्ट के पलों को बहुत ज़्यादा खगोल खगोल के देखना चाहते हैं, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि पीछे बहुत कुछ छूट जाएगा अगर ये आगे बढ़ गए तो, ये रुके रहेंगे तो ही इन्हें वो चीज़ें मिल पाएंगी, अदरवाइज आगे बढ़ गए तो जो अभी मन में होप है, जिसके सहारे ये जी रहे हैं ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा भी इनके मन में चल रहा है। काफ़ी सारे सवाल इस पर्सन के मन में चलते हुए दिख रहे हैं मुझे, जो इन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। किसी के पास आना नहीं चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्हें ऐसा फील होता है जिससे भी बात करेंगे वो अपने मतलब की करेगा या करेगी, इनके दिल को कोई नहीं सुनेगा ना समझेगा। तो ऐसी एनर्जीज भी इनकी है, यानी कि ज़िंदगी में इनके डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला जा रहा है, कोई इनकी बात समझ नहीं रहा या कोई समझना चाह नहीं रहा है।
कंफ्यूजन में डेफिनेटली ये पर्सन इस वक्त में है। दो रास्ते इनके पास हैं, जिसमें से एक रास्ते पे इन्हें जाने के लिए बार बार दबाव डाला जा रहा है, बट ये जाना नहीं चाहते हैं वहां पे। काफी ज्यादा इन्होंने ना अपने आप को बंद करके रख रखा है, ऐसी एनर्जीज है कि किसी से बताना नहीं चाह रहे हैं, किसी को एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं। रीज़न यहाँ पर ये है कि ये जहाँ पर है वही थमे रहना चाहते हैं, लेकिन इनके आसपास के लोग इन्हें वहाँ पर थमे नहीं रहने देना चाहते। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इस पर्सन ने आपसे किसी तरह का वादा करा हो, तो ये उस वादे के बारे में बेहद ज़्यादा सोच भी रहे हैं। वो वादा, वो प्रॉमिस इस पर्सन के मन में बहुत बार चल रहा है, जो इन्हें बेचैन भी कर रहा है, क्योंकि ये उस वादे से मुकरना नहीं चाहते। इस वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें ना उलझाया जा रहा है, इन्हें जानबूझकर इस तरह से उलझाया जा रहा है ताकि ये आपकी एनर्जी से निकल जाए या आपकी यादों से ये निकल जाए। इसी वजह से इन्हें जानबूझकर उलझाया जा रहा है, तो ऐसा भी इनके मन में काफी ज्यादा चल रहा है। यहाँ पे लेटर वाई वन आई जनवरी मंथ भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहा है। ये पर्सन किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं करना चाहते और ये चाह रहे हैं इस वक्त में कि कोई इनसे भी कोई किसी तरह की उम्मीद ना करे, एज इन कि जो भी इनके आसपास के लोग हैं जैसे इन पर दबाव डाल रहे हैं, तो ये चाह रहे हैं कि ये भी इनसे कोई उम्मीद ना करें जब ये अपने आसपास के लोगों से कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं। तो इग्नोर काफ़ी ज़्यादा करना चाहते हैं इन सब की बातों को, ये जो भी चल रहा है सब चीज़ को, लेकिन कोई इन्हें इग्नोर भी नहीं करने दे रहा हो, ऐसी भी एनर्जीज़ है। काफ़ी ज़्यादा जैसे लड़ाई झगड़े से, कॉन्फ्लिक्ट से दिख रहे हैं, मतलब इन चीज़ों को लेकर जैसे एक दूसरे के बीच में मनमुटाव है, खींचातानी है, उस तरह से दिख रहा है कि ज़बरदस्ती कोई प्रेशर डाल रहा है, तो उस वजह से घर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम तो चल रही है, ऐसे अशांति चल रही है, एक दूसरे के साथ बैठे हैं फिर भी बात नहीं कर रहे हैं, उस तरह से इनकी ज़िंदगी में इस वक्त में सिचुएशन है। देखिए वैक्स गिरा, लेकिन एक दूसरे के जैसे अपोजिट हो यहाँ पर ये दिख रहा है। जो लोग कभी एक दूसरे के साथ चलते थे या चलना पसंद करते थे, इस वक्त में डेफिनेटली ये लोग एक दूसरे के जस्ट अपोजिट ही हैं, ये भी यहाँ पर है। ये पर्सन ना दो चेहरे बनाकर नहीं रखना चाहते, ये ऐसा भी दिख रहा है, एज ए जैसे इन पे फोर्स करा जा रहा हो कि भाई तुम ऐसे कर लो वैसा कर लो, तो ये एकदम क्लियर कट वे में, उस वे में है कि नहीं, मुझे दो चेहरे बनाकर नहीं रखने हैं, मुझे किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं पालना है, तो उस एनर्जीज में भी ये हैं काफ़ी ज़्यादा। देखो ये बात यहाँ पर पूरी तरह से तय है कि ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, फिर चाहे माध्यम कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि ये आप ही का वेट करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें वेट करने नहीं दिया जा रहा, ये चीज़ें यहाँ पर डेफिनेटली हैं। ठीक है, चलिए आपके पर्सन के मैसेजेस और देखते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपसे कुछ कहना तो चाह रहे थे, तो वही चीज़ें देखते हैं, बहुत सारे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस, दीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। 1 2 3 4 5 6 एक लास्ट शफल निकाल के और देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। 7 8 तो देखिए बेसिकली ये पर्सन ना आपका इंतज़ार इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये आपकी स्माइल को बहुत ज़्यादा याद करते हैं और उसी स्माइल से इन्हें आपसे प्यार भी हो गया है। वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर, क्योंकि ये पर्सन आप ही के साथ अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, इसीलिए ये आपका इंतज़ार करने के लिए भी रेडी हैं पूरी तरह से। यू होल्ड द की टू माई हार्ट, क्योंकि आपने आज तक इस पर्सन के दिल की चाबी को पकड़ रखा है, ये आपसे ऐसा कहना चाहते हैं।
हैं. इवन वेन यू आर एंग्री और ग्लूमी, यू आर स्टिल अडोरेबल. हो सकता है आप इन पे गुस्सा होते हो, तभी भी इन्हें आपका प्यार आता था, या आपसे ऐसा कहना चाहते हैं टाइम जस्ट फ्लाइज वेन वी आर टुगेदर. वो चीज़ मैंने आपको बताई कि पहले आप इस पर्सन को चेस करते थे, ये आपसे भागते थे, और अब ये समय आ गया है कि ये आपका पीछा कर रहे हैं, आपको चेस कर रहे हैं और आप इनसे भाग रहे हो. तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं, सच में समय ना बदलता भी है और समय भागता भी है. और ये उस समय को याद कर रहे हैं कि जब आप लोग साथ में थे. यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ आई एम ओके. तो देखिए ये पास्ट के पलों को याद कर रहे हैं, जब आप बार बार इन्हें मैसेज करके पूछते थे कि आप कैसे हो, क्या हो. तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं, योर फैंटेसीज ब्लेंड विद माइंड. तो बेसिकली ये पर्सन आपके साथ बिताए हुए जो भी पल थे, आप जितने भी क्लोज आ गए थे, उन सबको बेहद ज़्यादा याद करते हैं. यू अंडरस्टैंड मी, और आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इन्हें समझ पाओगे. तो बेसिकली ये पर्सन इसीलिए इंतज़ार करना चाहते हैं आपका, क्योंकि इन्हें अब आपकी बेहद ज़्यादा याद आ रही है और ये अब आपके साथ अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं. ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपके आर्केंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं. ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए. बताइए व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए. तो फर्स्ट वन इज सीक, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए. मेडिसिन मदर, गाइड कीजिए यूनिवर्स को बताइए. माउंटेन्स एंड स्काई वेदर. देखिए बेसिकली यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है कि भाई देखो ये समय आ गया है अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए लड़ने का, अपने लिए स्टैंड लेने का. एज इन कि आपने बहुत पीछा डेफिनेटली इस पर्सन का करा है, और अब आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाई देखो अब आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा. हालांकि ये पर्सन अब आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं चेज भी कर रहे हैं या करने की इच्छा रख रहे हैं, लेकिन उसके अलग आपसे यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि देखो आपको जो दर्द दिया इन्होंने, आप इन्हें बार बार कि आप ठीक हो ना, कैसे हो, ये सब कॉल टेक्स्ट या मैसेज कर रहे थे, तब इन्होंने आपका कोई भी जवाब नहीं दिया. तो आपको उन्हीं बातों को याद रखकर इस सिचुएशन को डील करना होगा और विश्वास बनाए रखना होगा कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो पूरी ईमानदारी से आए, आपको वही मान सम्मान, वही रेस्पेक्ट देने के लिए आए, तभी आप इस रिश्ते में जाइएगा. अदरवाइज आपको इस रिश्ते में नहीं जाना है, अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं जाना है. ऐसी गाइडेंस आपके लिए आई है. ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपसे कहना क्या चाहते हैं और आपको क्या करना चाहिए. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, इस रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो. अगर आपको रीडिंग पसंद आती है और आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से मैं नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे. आज के लिए बस इतना ही. ओके, बाय बाय.